ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੋ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਸਪੀਕਰ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਸਰਤ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ प्रोफेसर जी एस राठौर का कहना है कि वो लोगों की तालाबंदी दौरान सेहत को ठीक रखने में मदद कर रहे हैं। मैंने 22 मार्च से शुरू किया था, ऐसे ही लॉकडाउन में याद आया कि मेरा तो ये फील्ड है तो क्यों ना इसको हम एक वर्कआउट में कम्युनिटी वर्कआउट में ट्रांसलेट करें। तो मैंने अपनी छत से वर्कआउट कराना शुरू किया तो मेरे आसपास के छत पे लोग हैं उन्होंने भी आना शुरू किया तो मुझे फिर मोटिवेशन मिली और मैंने इस वर्कआउट को 22 से अभी तक कंटिन्यू रखा है। लॉकडाउन ज़रूर है बट अपने घर में रह के एक डिस्टेंस मेंटेन करके शाम को अपनी छतों पे आके आप वर्कआउट करिए। वर्कआउट के लिए कोई भी टाइम नहीं होता है। मॉर्निंग में मैं पावर योगा कराता हूँ 8:30 to 9:30 और इवनिंग में 6:10 to 7:30 मैं HIT हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग एंड टवाटा कराता हूँ। इसमें डिफरेंट वेरिएशंस कराते हैं, डिफरेंट सर्किट्स कराते हैं। तो मैं ये फील कर रहा हूँ लॉकडाउन में जब भी लोग मेरे सराउंडिंग की छत पे आते हैं तो बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस मैं देखता हूँ इन लोगों के अंदर, बहुत खुशी देखता हूँ और फेसबुक फ्रेंड्स के जो कमेंट्स आते हैं बहुत पॉजिटिव होते हैं, मुझे भी उससे बहुत एनर्जी मिलती है। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप डिस्टेंस मेंटेन करिए, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है। इस कोरोना को हम लोगों ने भगाना है और घर में रह के ही भगाना है, बट घर में रह के आप अनहेल्दी नहीं होंगे, हेल्दी रहेंगे। कीप इनसाइड योर होम्स एंड डू वर्कआउट एज यू कैन, जितना कर सकते हैं उतना करें, कोई कंडीशन नहीं वर्कआउट की। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ GS ਰਾਠੌਰ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। We are very thankful to Rathore भैया जिनकी वजह से हम लॉकडाउन में भी अपने आप को फिट रख पा रहे हैं। मॉर्निंग में जैसे वो पावर योगा करवाते हैं, शाम को वो टबाटा और हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करवाते हैं और काफ़ी हद तक हमें लग ही नहीं रहा कि हम लॉकडाउन में बैठे हैं, अपने घरों में बैठे हैं, हम जिम को मिस कर रहे हैं। थैंक यू Rathore भैया, ज़्यादा मैं बहुत शुक्रिया करता हाँ जिन्होंने सानू लॉकडाउन में भी एक्सरसाइज करने का मौका दिता तो सानू जिम की कमी महसूस नहीं होने दी। बस मैं ही कहना चाहूँगा। अजीत दिल्ली पठानकोट तो ब्यूरो रिपोर्ट। वधेरे खबरों के लिए तुसी बने रहो अजीत वैब टीवी के नाल।